हेलो स्टूडेंट्स हावी यू ऑल आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग रियली गुड सो चिल्ड्रेन इन जी के आर टूडेज टॉपिक इज ब्रेन बेंडर्स सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ए टिक द फिगर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज बच्चों यहाँ पे आपको तीन फिगर्स दी गई हैं आपको जो उसकी नेक्स्ट सीरीज में आएगा ऑप्शन वन और टू में से आपको उसकी सीरीज का नेक्स्ट फिगर को क्या करना है टिक करना है फर्स्ट में आप देख पा रहे हो बॉक्सेस बने हुए हैं ठीक है बॉक्सेस में आपको अलग अलग फिगर्स दी गई हैं अब आपको इससे मैच करती हुई फिगर जो है वन और टू जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको क्या करना है टिक करना है ठीक है तो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका नेक्स्ट सीरीज का बॉक्स आएगा या फिगर आएगी तो मैं तो अपने हिसाब से फर्स्ट को टिक करूँगी आप क्या टिक करेंगे आप अपने हिसाब से बच्चों देख लेना सेकेंड यहाँ पे भी आपको बॉक्सेस दिए गए हैं ठीक है थीके? इसमें कुछ एरोज हैं जो आपके लेफ्ट जा रहे हैं राइट right जा रहे हैं इसी तरह से आपकी बी और सी में भी फिगर्स दी गई हैं ठीक है यहाँ पे मेरे हिसाब से सेकंड फिगर जो है वो इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट होगा ठीक है तो आप सेकंड को टिक कर सकते हैं थर्ड में आप देख पा रहे हो इसमें भी आपको बॉक्स बना हुआ है लेकिन बॉक्स के अंदर आपको क्या दिया गया है स्पायरल दिया गया है ठीक है ए में अगर आप देख पा रहे हो जो स्पायरल है वो ऊपर जा रहा है बी में आप देख रहे हो वो थोड़ा सा नीचे आ गया सी में आप देख रहे हो वो थोड़ा सा और नीचे आ गया तो यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है ये तो जो इसका स्पायरल है वो उल्टा जा रहा है तो सेकंड फिगर मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है तो सेकंड को आप टिक करेंगे फोर्थ में भी आप देख रहे हो बॉक्सेस बने हुए हैं ठीक है ए बी सी तीन बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें भी आपको एरोज नज़र आ रहे हैं कुछ एरोज बाहर की तरफ जा रहे हैं कुछ एरोज अंदर की तरफ जा रहे हैं इस तरह से आपके फिगर्स में ये एरोज बने हुए हैं तो मेरे हिसाब से जो सेकंड फिगर है वो इसका करेक्ट आंसर है मतलब इसकी जो फिगर की सीरीज़ है उसके नेक्स्ट पार्ट में सेकंड आएगा तो आप नेक्स्ट मतलब सेकंड को आप टिक करेंगे बी क्रॉस द ऑड फिगर आउट अब बच्चों यहाँ पे जो ऑड फिगर है आपको उसको आउट करना है मतलब उसको क्या करना है सर्कल करना है ग्रुप से हटाना है फर्स्ट में आप देख पा रहे हो ए बी सी डी इसमें क्या बने हुए हैं चार आपको वॉचेस के फेस दिख रहे हैं ठीक है इसमें पहले में आप देख पा रहे हो दो बजने वाले हैं दूसरे में आप देख पा रहे हो चार बज रहे हैं और तीसरे में आप देख रहे हो कि बारह बजने वाले हैं और टीम में आप देख पा रहे हो बज के कुछ मिनट हो रहे हैं ठीक है थीके? तो इसमें सी जो है ये ऑड है क्योंकि आप दो इसमें दिखाया ए में दो बजने वाले थे बी में चार मतलब उसका डबल हो गया था और डी में उसका डबल हो गया फोर का भी डबल हो गया आठ बज गए तो सी जो है ये ऑड है आप इसे सर्कल करेंगे सेकेंड में आप देख पा रहे हो कुछ फिगर्स बनी हुई है ठीक है फिगर्स में से आपको क्या करना है एक ऑड फिगर को आपको चुनना है तो मेरे हिसाब से डी फिगर जो है वो ऑड है ठीक है है इसमें आपका शेप बनी हुई की लेकिन ए बी सी में आपको कोई शेप नजर नहीं आ रही तो आप डी को ऑड वन आउट करके उसे सर्कल करेंगे थ्री अब यहां पे आप देख पा रहे हो ए बी सी में आपको स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन दी गई है लेकिन डी जो है वो क्या है आपका सर्कल है तो सर्कल शेप अलग हो गई ठीक है यहाँ पे आपकी कोई शेप नहीं बन रही ना ए में कोई शेप बन रही है ना बी में ना सी में ये सिर्फ आपको लाइंस दी गई है तो डी जो है ये ऑड है तो आप डी को सर्कल करके इस फिगर को कंप्लीट करेंगे तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा अब इसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे